नमस्कार सभी को। और आज हम बात करने वाले हैं एक नई खबर के बारे में जो कि है वुमेन्स फुटबॉल से रिलेटेड। तो अगर आप एक फीमेल फुटबॉलर होंगे या वुमेन्स फुटबॉल को फॉलो करते होंगे तो यकीनन आपके लिए थोड़ी खुशी की बात हो सकती है। और जितना हमारे लिए मेन्स फुटबॉल इंपॉर्टेंट है इंडियन फुटबॉल के ग्रोथ के लिए, उतना ही वुमेन्स फुटबॉल भी इंपॉर्टेंट है। और जैसा कि आप जानते हैं कि वुमेन्स फुटबॉल टीम इज बेटर देन अवर मेन्स फुटबॉल टीम, है ना, रैंकिंग के हिसाब से। तो इंडियन वुमेन्स लीग जो हमारी मेन लीग है, नेशनल लीग है वुमेन्स की, वो 2 साल से बंद पड़ी है ना। पिछले साल भी होने वाली थी लेकिन फिर से कोविड आ गया बीच में तो फिर नहीं हुई। तो अभी फाइनली AFF ने कह दिया है कि भाई इस साल तो वुमेन्स लीग हम करवाएंगे। और इस साल वुमेन्स लीग होने वाली है अप्रैल 2022 से मई 2022 तक, ठीक है। और ये उड़ीसा में होने वाली है। और अगर आप सोचेंगे कि हम उड़ीसा में रहते तो हम देखने जाएंगे, तो आप नहीं जा सकते क्योंकि बायो बबल के अंदर होने वाली लीग तो पब्लिक नहीं देख सकती मैचेस को, ठीक है। और लास्ट टाइम जो है हमारी गोकुलम चैंपियन बनी थी, इस साल देखते हैं कौन बनेगा। तो 12 टीम इसमें हिस्सा लेने वाली है। और इस साल एक नई टीम है। अब वो नई टीम कौन सी है, तो भाई इंडियन एरोज जैसे मेंस की है वैसे ही इंडियन एरोज वुमेन्स टीम भी आ रही है IWL में, जिससे कि वुमेन्स फुटबॉल के भी जो यंग प्लेयर है उनको थोड़ा चांस मिल पाए। तो ये एक बहुत अच्छा इनिशिएटिव लिया है AFF ने कि भाई इंडियन एरोज के वुमेन्स एक टीम भी बना दी उन्होंने, है ना, जो कि कहीं ना कहीं वुमेन्स फुटबॉल को फायदा देगी। अभी नहीं लेकिन कुछ सालों बाद जैसे कि इंडियन एरोज का फायदा हमको दिख रहा है, वैसे ही वुमेन्स इंडियन एरोज का फायदा भी कुछ सालों में दिखने लग जाएगा। लेकिन मुझे एक बात कहीं ना कहीं यार थोड़ी खटकी, वो ये खटकी कि इंडियन वुमेन्स लीग हो रही है, बहुत अच्छी बात है और होना चाहिए, है ना। पिछले 2 बार से नहीं हो पाई और इस बार हो रही है तो ये तो अच्छी बात है। लेकिन एक चीज है, 1 महीने के लिए मतलब अप्रैल के बीच में से चालू होने वाली मई के एंड में खत्म हो जाएगी, 1.5 महीना पकड़ लो। तो 1.5 महीने के लिए, 1.5 महीने क्या क्या मिलेगा 1.5 महीने खेल के। मतलब कई ऐसे प्लेयर्स होंगे जो स्टेट लीग खेलेंगे और वुमेन्स लीग खेलेंगे, ठीक है। तो स्टेट लीग पकड़ लो 1 महीने की, वुमेन्स लीग पकड़ लो IWL 1 महीने 1.5 महीने की, मतलब पूरे साल में 2 महीने तुमको अच्छे से मिल रहा है खेलने को, बाकी तुमको वही घर में बैठना है या अपनी पढ़ाई पर ध्यान देना है। तो इतना कम फुटबॉल, और फिर हम चाह भी रहे कि हमको बहुत ज़्यादा चाहिए, है ना। मतलब होता ना कि लोग इन्वेस्टमेंट जितना करते हैं उससे डबल चाहते हैं, तो हम इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं इतना सा और हमको इंडियन फुटबॉल की ग्रोथ चाहिए इतनी सारी, तो कैसे मिलेगी। अभी अब जैसे कि मेंस फुटबॉल के लिए स्ट्रक्चर सिस्टम बनने की अभी हो रहा है ना, उसके ऊपर चर्चा चल रही है कि ऐसा ऐसा होगा 2023 से 24 से जो भी है, तो वुमेन्स फुटबॉल का भी तो ऐसा कुछ करना पड़ेगा। ये 1.5 महीना क्या है, ISL भी भाई 4-5 महीने हो जा रही है और IWL तो 1.5 महीने। ये तो ऐसा हो गया कि अरे यार कोई मतलब कि हमको क्रिटिसाइज ना कर दे इसलिए करवा दो, है ना, ऐसा वाला मतलब पल्ला झाड़ने वाला इस टाइप में मुझे लग रहा है। बाकी ये तो एक प्रोसेस है कि भाई धीरे धीरे ही सब चीज़ें बढ़ती है। लेकिन वुमेन्स लीग को भी जैसे बायो बबल में करवाते तो थोड़ा 3-1 महीने की करवा सकते थे, मतलब ऐसा तो इतना तो कर ही सकते थे। बाकी ठीक है, अब जैसे भी हो रही है, लेकिन हो रही है पहली तो ये बहुत खुशी की बात है, क्योंकि नहीं होती तो और ऊपर से गाली पड़ती है ना। तो करवा तो रहे कम से कम, ये एक हो जाएगा कि अरे भाई करवा तो रहे, दे तो रहे, एटलीस्ट अपॉर्चुनिटी दे तो रहे, ठीक है ले लो। और आई होप कि कई हमारी फीमेल फुटबॉलर्स होंगी, वुमेन्स फुटबॉलर्स जो अगर इस वीडियो को देख रही होंगी तो आप देख लीजिएगा अगर आपको ट्रायल्स मिलने वाली हो IWL टीम्स की, क्योंकि स्टेट लीग के चैंपियंस जो टीम बनी है वो इस IWL में खेलने वाली है। और हो सकता है कई टीम पैक हो चुकी हो, कई टीम में भी जगह हो, तो आपको ट्रायल्स मिलेगी तो आप उसमें जा सकते हैं। और ऐसे मौके को ना छोड़िए, है ना, क्योंकि आप देख सकते हैं 2 साल बाद आपको IWL खेलने को मिल रहा है, तो इट्स अ बिग थिंग, है ना। इसलिए अगर आपको कोई भी अपॉर्चुनिटी मिल रही हो कि आपको IWL में पार्टिसिपेट करने को मिल रहा हो तो कर लीजिएगा, ठीक है। और ये खबर और लोगों तक पहुंचा दीजिएगा कि भाई IWL आ रहा है अप्रैल 2022 में, तो बी रेडी फॉर दैट। और गुड लक आपको, और सभी भारतीय फुटबॉल फैंस को भी शुभकामनाएं कि भाई IWL भी हो रहा है इस साल, ठीक है, 2 साल से जो नहीं हुआ था। और बहुत जल्द ही U17 वुमेन्स वर्ल्ड कप भी होने वाला है, तो एक मोमेंटम क्रिएट हो जाएगा ना वुमेन्स फुटबॉल के लिए भी, है ना, तो एक अच्छी बात है, ठीक है। तो इसी तरह भारतीय फुटबॉल को सपोर्ट करते रहिए, और भी कुछ कुछ अच्छी चीज़ें हमको सुनने को मिलेगी, ठीक है, तो उसके बारे में बात करते रहेंगे, हम तो यहीं हैं। तो बहुत बहुत शुक्रिया वीडियो देखने के लिए। जय हिंद, जय भारत।